हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं अभी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सोल्व, चूंकि एल एच एस बराबर कॉस पर पावर 4 ए प्लस साइन पर पावर 4 ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये एल एच एस है। अब क्या करेंगे इसको कि स्क्वायर पे तोड़ लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 बराबर आर एच एस, ये प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 को मिटाते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइन पर पावर 4 ए माइनस कॉस पर पावर 4 ए, 18 नंबर क्वेश्चन है, साइन पर पावर 4 ए माइनस कॉस पर पावर 4 ए बराबर ये एल एच एस है, तो और ये मिडिल टर्म फर्स्ट है और ये मिडिल टर्म सेकेंड है, ठीक। तो क्या लाना हमको, स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे फिर, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 और 1 से गुना करेंगे तो ये जैसे है वैसे ही ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमको लाना है साइन में, तो साइन को छोड़ देंगे कॉस को चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक गो साइन स्क्वायर, एक गो साइन स्क्वायर, दो गो साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया मेरा मिडिल टर्म फर्स्ट। अब मिडिल टर्म सेकेंड लाना है तो कॉस में लाना है, तो क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए है तो इसको बदलेंगे तो कॉस में बदलेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 में से एक को घटा देंगे तो हो जाएगा 1 और ये 2 कॉस स्क्वायर ए, मिडिल टर्म सेकेंड, जो मिडिल टर्म सेकेंड है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब कर रहा है आर एच एस, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूला का मान 1 होता है, तो 1 के बदले हम क्या कर देंगे, ये फार्मूला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब ये दो को हमें से एक को घटा देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कॉस स्क्वायर ए और बराबर आर एच एस, ये हो गया रूट। सो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 18, अब 18 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चूंकि एल एच एस बराबर कॉस पर पावर 4 ए माइनस साइन पर पावर 4 ए, अब क्या करेंगे फिर इसको स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1, तो 1 गुना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमको लाना है कॉस में तो कॉस को छोड़ देंगे साइन को चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, एगो एगो दो गो तो दो कॉस स्क्वायर ए
माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन बराबर आर एच एस, ये हो गया रूट। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं एक, ये क्या हो गया 19 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 19 नंबर अब क्या करते हैं मिटा देते हैं इसको, ठीक है। सो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एल एच एस है। अब क्या करेंगे फार्मूला पे चलेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस फिर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। अब क्या करेंगे ए वाले को एक जगह रखेंगे, तो ए स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ए को कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर ये जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर गुना इसका वैल्यू वन प्लस बी स्क्वायर गुना इसका वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर एच एस रूट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 21 का फर्स्ट और सेकेंड इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो कह रहा है क्वेश्चन कि साबित करें कि कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो 21 का फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है चूंकि एल एच एस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन थीटा, अब इसका फॉर्मूला क्या कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा गुना वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर होगा। अब इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, और एक हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटा वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा बदलते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको बदल देंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन कुछ नहीं बताएं तो वन, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा घटा वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको लघुतम में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और ये जाएगा वन माइनस साइन थीटा। अब इसको पावर एक क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और गुना वन माइनस कॉस थीटा और बटा में वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसका भी पावर एक कर लेंगे तो एक का पावर एक ही रह जाता है। अब ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा फिर हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और बटा में जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और ये जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और ये गुना जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटा वन माइनस साइन थीटा। अब ये वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा और ये कॉस से ये कॉस, अब क्या बचेगा वन प्लस साइन थीटा तो वन प्लस साइन थीटा और बटा में जाएगा वन प्लस साइन थीटा ये कॉस थीटा तो ये जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बराबर ये जाएगा आर एच एस, ये हो गया मेरा प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 21 का एक भी प्रूफ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सबसे इजी हिसाब, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और तब इसको सोल्व करके इसको दिखाते हैं, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये 21 का सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन का रहा है सेकंड नंबर, क्योंकि ये ले चेस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाटा में जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पावर दो से एक पावर, और ये पावर दो से ये पावर, अब ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस बाई साइन तो क्या होता है टैन थीटा, माइनस साइन बाई कॉस तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर आर एच एस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दो नंबर भी प्रूव है, ये 21 का था और ये 21 का दो नंबर। सो इस तरह से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन टोटल समझ में आ गया होगा। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना रहना, तो फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।